ते बर्तमान जे खबर आसी पहुंचुची सीबीएसई परीक्षा बातिल कोरोना पई दशम बातिल होईची जदि कहबा दशम एवं द्वादश स्थगित रहीची केंद्र शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को ट्वीट चोके नै सूचना देइछंती स्कूल बंद रहितबारु केंद्र शिक्षा मंत्री एभले निष्पत्ति नैछंती तबे दशम पई बोर्ड द्वारा निर्धारित पद्धति द्वारा बाहरिबो रिजल्ट तबे जून 1 परे परिस्थिति समीक्षा करा जइबो परिस्थिति स्वाभाविक हेबा परे असंतुष्ट छात्र छात्री परीक्षा देई पारिबे दिव्य ज्योति महांती आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि संपर्क में आलोचना आम सहित जोड़ दिव्य जहाँ खबर आसुच्छे सीबीएसई परीक्षा बातिल करा जाएगी कौन पूरा अपडेट देवा चाहिए देखो निवेदन निश्चित भाव जानते कोरोनार कर लेपाणी लहर वर्तमान समग्र देश में गोटे प्रकार तांडव मचाई कहले अपुष्टि हो नहीं एभली परिस्थिति में पुणी थे शिक्षा वर्ष प्रभावित होगा जाऊँगी जहाँ नहीं उभय छात्र छात्री अभिभावक मैंने द्वंद्वर थे विशेषकर सीबीएसई पैटर्न जो पिलामन थिले तो माने आकु नै द्वंद्वर थिले आगु परीक्षा रही परीक्षा को स्थगित करा जीवो कि नाही ताकु नेकरी विभिन्न समय द्वंद्वर रहला ट्विटर मध्ये ट्रेंड करा हैतला जे कैंसल करा जाउ परीक्षा को आकु नै ट्विटर ट्रेंड करा हैतला जहाँ को नहीं आज प्रधानमंत्री शीर्ष स्तर नेतृत्व मान सहित आलोचना करते जो मैंने शीर्ष स्तर अधिकारी मैंने अच्छा शिक्षा मंत्री विषय पुंगानुपुंख आलोचना होता पूर्वर मध्य पंजाब मुख्यमंत्री दिल्ली मुख्यमंत्री आपको लेकिन दाबी रखते जो सीबीएसई परीक्षा को स्थगित करा जाऊ तो क्यों ना क्योंकि आज गोटे निर्णायक मोड़ में पहुंचती केन्द्र सरकार कहुची जहाँ विशेषकर रमेश पोखरियाल जे शिक्षा मंत्री रही जो ट्वीट को आप देखिए से संपूर्ण भाव कहुई सीबीएसई परीक्षा को बातिल कराई कोरोना पर दशम परीक्षा को बातिल कराई द्वादश परीक्षा को स्थगित रखाई से भाई आप देखिए स्कूल बंद रही केंद्र मंत्री को निष्पत्ति बोली कहा जहाँ जेहतु अनेक दिन धरी स्कूल बंद रही पाठ पढ़ा हो पार्नी ऑनलाइन माध्यम क्लास होता से एक चरम निष्पत्ति सरकार नहीं आउ गोटे कथा आप देखिए जून 1 पर परिस्थिति को समीक्षा कर परवर्त निष्पत्ति निश्चित भाव में सीबीएसई को आरंभ कर विभिन्न शिक्षा वर्ग पिला कोरोना पुन थे गोटे टेनसन बढ़ाई तो ताक सरकार चिंता प्रकट कर छात्र छात्री मान को कोरोना ठू दूरे रखा जापर से नहीं बड़ निष्पत्ति बर्तमान समय कहुची निष्पत्ति पक्षे केवल कोरोना ठू पा कि दूरे रखा जापर और जेहेतु सोशल मीडिया ट्रेंड करूला कैंसल करा जो पिला माने खुद निजे ट्वीट करी प्रधानमंत्री को जनावे टैग मध्य करते प्रधानमंत्री से दृष्टिकोण वर्तमान प्रधानमंत्री एभली तो निष्पत्ति नहीं पिला मानू कि चापग्रस्त न रहिबे ए समय जो कोरोना समय से मैंने कोरोना संक्रमण को लेकिन भयभीत अच्छा ता भितर परीक्षार टेनसन एभली चापग्रस्त कि न रहिबे से निष्पत्ति नहीं आई केन्द्र सरकार गोटे बड़ निष्पत्ति बर्तमान समय नहीं कहते जो छात्र छात्री मैंने रही निजे ट्वीट करूते निजे टैग करते जो शिक्षा मंत्री को किंतु बड़ कथा होची जे सेमानक मध्ये कोटना कोटे असंतोष मध्ये देखबा को मिलतला जे सेमाने चाहुतिले जेहेतु दिव्य आपण जानतबे जे ऑनलाइन रे पाठ पढार व्यवस्था करा जाई छी अनेक स्थान रे ऑनलाइन रे पिला माने सटीक रूपे पाठ पढी पाउनांती जेंति पई पाठ को बुझबा पई मध्ये सेमानक पके कष्ट करे होची तनो ए जो निष्पत्ति केंद्र शिक्षा मंत्री जा जणाई छेंते जा ट्वीट करछेंती ये केते लाभदायक हेबो पिला को पई केन्द्र सरकार सब छात्र छात्री भविष्य को नहीं चिंता प्रकट करती कोरोना समय से पाठ सह जोड़ रही पारे से चिंता प्रकट कराइला जहाँ को नहीं ऑनलाइन क्लास माध्यम सामना कोणाइला यह सब प्रसंग में केन्द्र सरकार सब तत्पर था कि पिला भविष्य नष्ट न हो कि वर्तमान समय जेहतु कोरोनार कर लेटाणी रही भितर संक्रमण हार आप देखिए कि भाव बढ़ी देश में समग्र देश में तो से दृष्टिकोण में निष्पत्ति निया अंपटे पिला जेहतु या प्रतिक्रिया रखी थे या गोटे प्रकार ट्विटर ट्रेंड करुते जो रही जहाँ अभोग रही से अभोग को आधार कर निष्पत्ति केन्द्र सरकार नहीं जिते यसंग को ट्विटर मध्यम प्रधानमंत्री देखी तत्णात बैठक डकते जे पिला जो अभोग रही अभोग सरकार कौन निष्पत्ति विभाग मंत्री कौन निष्पत्ति शीर्ष स्तर जो मैंने रही अधिकारी मान आलोचना होता आज पाखापाखि दुई घंटा धरी बैठक बसला दुई घंटा बैठक पर निष्पत्ति बाहरी
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିଭାବକ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନାର ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ଲେଖାଣ ଲହର ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ କହିବା କଥା। କାରଣ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ପାଠପଢା ରହିଥାନ୍ତା, ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉ ସିବିଏସ୍ଇ ପାଠନ ପିଲାମାନେ ଅନେକ ପିଲା ବାହାରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥାନ୍ତି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଆକୁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଲହର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ। ନିହାତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଯାହା ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କୋଟିନାକୋଟି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ସିବିଏସ୍ଇ ପାଟର୍ଣ୍ଣ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ, ବାତିଲ କରାଯାଉ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ, ବୈଠକ ଡାକିଥିଲେ, ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରମେଶ ପୋଖରିଆଲ ନିଶଙ୍କ ଯାହା ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ପାଇଁ ଦଶମ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାକୁ ତା ସିବିଏସ୍ଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।